हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये हमारा थर्ड या फोर्थ वीडियो है। मैं टाइप थ्री का क्वेश्चन बताने वाला हूं यहाँ पे, औसत चाल के बारे में। औसत चाल क्या होती है समझेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं तीन क्वेश्चन बताऊंगा, आप आराम से देखिए। और यहाँ पे आपको समझा के जाऊंगा कि औसत चाल निकालते कैसे हैं। ट्रिक पे मैं जोर नहीं देता। आपको अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है मतलब आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने प्रश्न को समझना ही नहीं सीखा तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला। अगर आपको ट्रिक याद है तो भी आप उसको सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ट्रिक पे फोकस नहीं करूंगा, यहाँ पे फोकस करूंगा मेथड पे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। क्लियर है, तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन निकल के आता है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। समझिए, यहाँ पे दूरी वही है, बस चाल अलग अलग है। जाने के टाइम उसका स्पीड था 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आने के टाइम है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बताना है कि व्यक्ति की औसत चाल क्या है। क्लियर, समझिए इसको। इसको ले लेते हम, ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक, बस इसी दूरी को वो आना जाना कर रहा है। चलिए, लिखा है जाने के टाइम इसको स्पीड था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की और आने के टाइम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है ना, हमारे पास हमने पहले पढ़ा है वीडियो में चाल क्या होती है। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, इसका यूज करेंगे अभी। और औसत चाल क्या होता है, औसत चाल ये आपने पढ़ के आया है अपने क्लास में, चाल के बारे में जब पढ़ा है। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में तो केवल क्या है, हमारे पास केवल चाल है, न दूरी है न समय है, हमें ये सब मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये टोटल डी दूरी है, दोनों टाइम उस डी दूरी को ही तय किया है। ठीक है, एक बार 12 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी बार 15 किलोमीटर की स्पीड से। तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास टोटल दूरी क्या हो जाएगी जी, डी जाने के टाइम प्लस डी आने के टाइम, ये तो हो गई टोटल दूरी जो उसने तय किया। अब हमारे पास कुल समय, चलिए जाने के टाइम मान लो T1 समय लगा और आने के टाइम T2 समय लगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। लेकिन ये हमारे पास है नहीं, हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा। तो समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा जी इस फॉर्मूले से, दूरी बटा चाल। तो T1 क्या होगा, दूरी हमारे पास कांस्टेंट डी है और जाने के टाइम जो चाल था वो 12 किलोमीटर था, ठीक है, प्रति घंटा। इसको हम ले लेते हैं T1, तो वैसे ही T2 क्या हो जाएगा, डी अपॉन 15, तो ये हो जाएगा T2। मेरे ख्याल से निकालना आया सबको, है ना। तो यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं डी प्लस डी, ये कुल दूरी हो गई। और T1 हमारे पास निकल के आया है डी अपॉन 12 और T2 निकल के आया है डी अपॉन 15। क्लियर है, तो ये हो गया ऊपर में 2D। यहाँ पे हम D को बाहर निकाल लेते हैं, उपनिष्ठ 1/12 और यहाँ पे बचा 1/15। तो देखिए यहाँ पे D तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों काट दिए हम। अब बचा क्या, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2/1/12 और 1/15। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 12 गुना 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, बीच में प्लस का साइन, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 1 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चला जाएगा ऊपर, ये बचा नीचे में, तो ये हो गया आपका 2 × 12 × 15 / 5 और 2 = 7, 1 और 1 = 2, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 × 27, 3 × 15, 3 × 9, 3 × 12, तो कितना बचा, 4 × 20 = 40,
40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया आपका आंसर। इसी को और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 3 × 3 9 एक बचा 13, सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये हुआ बेसिक मेथड कि अगर एक निश्चित दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किया जाए, उसके बाद आपको औसत दूरी पूछा जाए कि उसकी औसत दूरी क्या होगी, तब के कंडीशन में आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। हमें केवल चाल पता है और हमें दूरी मानना पड़ेगा, तब निकल के आएगा टाइम। उसके बाद हम उस सूत्र में लगा के हम इसको निकाल सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, औसत स्पीड। क्लियर है? तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए। हमने जितना भी इतना लंबा चौड़ किया, उसका जो सार होता है ना, कंक्लूजन होता है स्टेप, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक निश्चित दूरी है, मान लो डी, क्लियर, समझ लीजिए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब डी दूरी को मान लो जाने के टाइम एक्स की स्पीड से तय किया और आने के टाइम वाई स्पीड से तय किया, तो दोनों का एवरेज स्पीड जो होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला होगा 2xy/x+y। अब इसमें रख देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में x क्या था, 12 था, और y क्या था, 15 था, ठीक है। तो ये रख देंगे 2 × 12 × 15, 2 × 12 × 15 = 12 + 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही आपका 40/3 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर एक निश्चित दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किया गया और एवरेज स्पीड आपको बताना हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक दबा दीजिए। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें दूरी तो अलग अलग है, लेकिन दूरी की जो मान है, जो वैल्यू है, बराबर है। क्लियर है? तो कैसा है देखते हैं। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बी सी सी डी तीनों बराबर है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी अलग अलग है, वहां पे दूरी एक ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ भी दूरी की वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो बनाना कैसे है, चलिए बनाते हैं पहले बेसिक मेथड से। तो ए से बी इस दूरी को उसने तय किया है कितने स्पीड में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी से सी तक इसको तय किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मोहन ने, और सी से डी तक की दूरी जो तय किया उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब इसमें लिखा है प्रश्न में कि ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। चलिए, तो तीनों बराबर हैं तो हम मान लेते हैं कि तीनों की दूरी सेम हुई, तो तीनों को हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो औसत चाल के फार्मूले से, ठीक है, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर हमने अभी पढ़ा इसको, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी हमारे पास क्या निकल के आई, डी 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 प्लस डी प्लस डी, और मान लेते हैं इसमें T1 समय लगा, इसमें T2 समय लगा और इसमें T3 समय लगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा, T1 + T2 + T3। क्लियर है? तो T1 की वैल्यू क्या होगी जी, तो समय निकल के आएगा कहां से, चाल बराबर दूरी बटा समय से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो T1 के लिए क्या हो जाएगा, T1 के लिए हो जाएगा ये d, तो दूरी है और चाल क्या है इसका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो T1 हो जाएगा D/10। वैसे T2 हो जाएगा D/15 और T3 हो जाएगा D/25। तो इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, D + D + D कितना हो जाएगा ये 3D, और T1 की वैल्यू हो जाएगी D/10, T2 हो जाएगी D/15 और T3 हो जाएगी D/25। क्लियर? तो यहां से d कॉमन कर लेते हैं, 3D/D 1/10 + 1/15 + 1/25,
तो ये भी कैंसल हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बचा क्या, 3 upon 1 plus 10 plus 1 upon 15 plus 1 upon 25। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहले की तरह, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में जो हमने बनाया था, ठीक। अब इसको हम शॉर्टकट की तरह मेथड्स भी बना सकेंगे, अब वो कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, चलो इसको इंटू ही कर लेते हैं एलसीएम की जगह, ठीक है, मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 15 गुना 25, एक के साथ इंटू होगा, ठीक है, तो एक की तो वैल्यू उतनी ही रहती है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 गुना 25 बचेगा, उसके बाद 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 गुना 15 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 into, ये ऊपर चला जाएगा 10 गुना 15 गुना 25 अपॉन ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 775, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, अब इसको इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद आपका आएगा 775, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 25 कम 25 25 75, उसके बाद बचा 2 25 कम 25, उसके बाद ये हो गया 15 3 45, दहम 450 बटा 31, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार जाएगा, 31 से कम 31, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 4 टाइम, ठीक, उसके बाद ये बचा आपका 16, ऐसे कर लीजिए आप, 450 31 से जाएगा 1 टाइम, बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा 1, ये 0, ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 कम 4 4 3 12, तो यहाँ पे बचा 6, और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 0, तो 31 14 सही बचा, शेष 16 अपॉन में आएगा 31। तो ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होगा आपका आंसर, क्लियर है। तो ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा से बड़ा दिखे आपको, स्टेप थोड़ा से बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया था, 3 ऊपर में गया था, ये क्या है, दो दो वैल्यू है एक साथ, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, फिर ये हो जाएगा वाई जेड, फिर जेड एक्स, कैसे होगा, चलिए ये स्पीड था ए बी और सी का, ठीक है। अब ये यहाँ तक के लिए एक तक की दूरी, ठीक, और ये वाई, और यहाँ पे डी तक के लिए है जेड, मान लो 3 स्पीड हो गए, एक वाई और जेड, तीनों के बीच की दूरी जो है बराबर थी, डी 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 थी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 3 into x y और z, इन तीनों का गुणा हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, ये यहाँ पे हो रहा था 3 x y z, क्लियर। अब नीचे में आएगा क्या आएगा, ये वाला आएगा x y plus y z plus z x, चूंकि सबकी वैल्यू दो दो बार आई है, 15 दो बार आए हैं, देखो 25 दो बार आए हैं, और 10 भी दो बार आए हैं, तो ऐसे ही है x y y z और z x, तो इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत सरल होंगे जो टाइप 3 आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मानना नहीं है, सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। लिखा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ मानना तो है नहीं है, आपको सॉल्व करना है सीधा सीधा, ठीक है। कुल दूरी यहाँ पे निकलती है, औसत चाल बराबर लिख लेते हैं, औसत चाल ये हमारा काम ही लिखना, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक, ये औसत चाल का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे कुल दूरी तो हमें पता है, कितना दूरी, पहला 10 किलोमीटर है, दूसरा दूरी है यहाँ पे 12 किलोमीटर, और तीसरा दूरी है 15 किलोमीटर। कुल समय, समय तो है नहीं, ठीक, तो समय कैसे निकाल रहे थे, समय बराबर दूरी बटा चाल, इक्वल टू डी अपॉन एस, ठीक है। तो यहां से निकल आ रहा था, मान लो टी वन पहला के लिए देख लेते हैं, पहली दूरी है 10 किलोमीटर की और चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो टी वन हो जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10, है ना, 2 हो जाएगा, टी टू हो जाएगा, ये घंटा में आ रहा है, क्लियर है, यूनिट आप बोलिए मत। दूसरा है D2, ये है
12 किलोमीटर, और चार जो है 4 किलोमीटर की, 4 कम 4, 4 तिया 12, और T3 आएगा आपका 15 किलोमीटर की स्पीड 3 घंटे में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 कम 3, 3 पंच 15, मतलब 5 घंटे में। तो इसको आप लिख दीजिए 2 + 3 + 5, ठीक, ये हो जाएगा 5 2 7, 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 2 5, 5 10 इक्वल टू 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको सारा दिया है, सारा चीज वैल्यू है, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे वैल्यू है नहीं, आपको मानना पड़ेगा, तब की कंडीशन मैंने 2 ट्रिक बता दिया था। पहला कंडीशन में था कि एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है, तो 2xy / x + y, और दूसरा कंडीशन था कि अलग अलग दूरी है लेकिन दूरी आपस में बराबर है, तब के कंडीशन में था 3 अगर दूरी है तो 3xyz / xy + yz + zx। मेरे ख्याल से सारा चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। वीडियो में पहली बार आया तो पहली बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।